मैन एंड वुमेन, फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंक्लाइन बेंच प्रेस वर्कआउट की मिस्टेक के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस एक्सरसाइज की हर वो मिस्टेक यानी कि हर वो गलतियां बताएंगे जिसकी वजह से आपकी चेस्ट गेन नहीं हो पाती है और आपके शोल्डर में इंजरीज भी आ सकती है। फ्रेंड्स, इंक्लाइन बेंच प्रेस एक्सरसाइज की मिस्टेक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी चेस्ट का अपर पार्ट तेजी से गेन करना चाहते हो तो इंक्लाइन बेंच प्रेस एक्सरसाइज को सही तरीके से करें और इस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी जरूर करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही आपकी चेस्ट को ऊपर उठा हुआ दिखाती है, जिस कारण आपकी चेस्ट टी शर्ट और कपड़ों में ऊपर उठी उठी अलग ही दिखाई देती है। तो चलिए, इसीलिए अपर चेस्ट तेजी से बनाने के लिए बात करते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस वर्कआउट की ऑल मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक नंबर 1, इंक्लाइन बेंच सेटिंग। फ्रेंड्स, जिम में किसी की हाइट 5 फीट हो या 6 फीट, हर कोई इंक्लाइन बेंच प्रेस एक्सरसाइज एक ही इंक्लाइन बेंच सेटिंग पर करते हैं, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, आपको अपनी हाइट के हिसाब से इंक्लाइन बेंच की सेटिंग करनी भी जरूरी है। इसके लिए आपको इंक्लाइन बेंच की सेटिंग इस तरीके से करनी है कि आपका माथा बार की सीध में हो, ऊपर नीचे ना हो, तभी आप सही तरीके से प्रॉपर इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, ग्रिपिंग। फ्रेंड्स, इंक्लाइन बेंच प्रेस करते वक्त आपको अपनी ग्रिपिंग यानी कि अपने दोनों हाथों की डिस्टेंस पर भी खास ध्यान रखना है। आपको बार ना तो ज्यादा चौड़ी पकड़नी है ना कम, आपको अपने शोल्डर के हिसाब से नॉर्मल गैप से ही बार को पकड़कर एक्सरसाइज करनी है। मिस्टेक नंबर 3, टच द बार पोजीशन। फ्रेंड्स, काफी लड़के इंक्लाइन बेंच प्रेस में बार की सही पोजीशन का ध्यान नहीं रखते हैं। किसी की बार आगे को रहती है, किसी की पीछे को, और जब चेस्ट पर टच करते हैं वो भी गलत करते हैं, जिस कारण आपकी चेस्ट का अपर पार्ट ट्रेंड नहीं हो पाता है। इसीलिए प्लीज जब भी आप बार को टच करें तो वो हल्की सी आपके अपर चेस्ट पर टच होनी चाहिए और फिर हल्का सा टच करने के बाद बार को सीधा ऊपर उठा दें। ऐसे करते हुए इंक्लाइन बेंच प्रेस करें। मिस्टेक नंबर 4, पोस्चर। फ्रेंड्स, काफी लड़के जिम में इंक्लाइन बेंच प्रेस की एक्सरसाइज रॉन्ग पोस्चर से करते हैं, मतलब कि कोई बेंच से अपनी बैक और बट ऊपर उठा लेता है तो कोई अपने पैर उल्टे सीधे कहीं भी रख लेता है, जो कि बहुत गलत है। ऐसे आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है और ऊपर से आपको इंजरीज वगैरह आ जाती हैं। तो प्लीज इसीलिए जब भी आप इंक्लाइन बेंच प्रेस एक्सरसाइज करें तो आप अपनी चेस्ट ऊपर को उठाकर रखें, बैक को बेंच से चिपकाए रखें और अपने बट भी बेंच पर मजबूती से जमाए रखें, ऊपर मत उठाएं, और साथ ही अपने दोनों पैरों को बेंच से मजबूती से चिपका लें। इस तरीके से अपने बॉडी पोस्चर को रखकर इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाएं। मिस्टेक नंबर 5, रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन से मतलब है कि फ्रेंड्स, काफी लड़के इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाते समय हाफ रेप ही लगाते हैं, जिस वजह से आपकी अपर चेस्ट पूरी तरह ट्रेंड नहीं हो पाती है, और जो कोई फुल रेप भी लगाता है तो वो तेजी से रेप निकालता है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा करने से आपका बेनिफिट्स आधा ही रह जाता है। तो प्लीज इंक्लाइन बेंच प्रेस एक्सरसाइज लगाते समय रेंज ऑफ मोशन का भी खास ख्याल रखें, मतलब कि बार को धीरे धीरे लाकर अपनी अपर चेस्ट पर टच करो और फिर धीरे धीरे अपनी चेस्ट पर लोड डालते हुए बार को ऊपर उठाएं। और हाँ, एक खास बात और, आपको अपनी बार ऊपर उठाते वक्त बार को झटका मारकर ऊपर ना उठाएं। आपको बार उठाते समय सिर्फ ये महसूस करना है कि आप कोई वजन नहीं उठा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी चेस्ट मसल्स पर लोड डालते हुए उसे पंप कर रहे हैं। ऐसे सोचते हुए बार को ऊपर उठाएं और फिर आप खुद देखना कि आपकी चेस्ट कितनी ज्यादा पंप होती है। आई होप कि अब आप इन 5 मिस्टेक्स से बचकर अपनी इंक्लाइन बेंच प्रेस एक्सरसाइज सही तरीके से कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।